माय चैनल एलएनपीटी आर्ट्स। होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हाउ टू डू शेडिंग। आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो पहले वो वाली वीडियो देख लो। आपके पोर्ट्रेट में जो स्क्रीन पर तीन शेड्स दिख रहे हैं, ये तो होने ही चाहिए, तभी आपका पोर्ट्रेट 3D में आएगा, वरना 2D लगेगा अगर ये डार्क लाइट नहीं समझ पाओगे आप। इसलिए काम करने से पहले पेज पर साइड में बना लेना और फिर स्टार्ट करना। तो गाइस, आपको थोड़ी डेमो वीडियो भी मैंने बनाई है, तो डेमो वीडियो के साथ साथ आपको समझाऊंगा। तो पहले मैं डेमो वीडियो चलाता हूँ, आप देखना, और फिर जो जो मैं करते जाऊंगा वो समझाते जाऊंगा। तो स्टार्ट कर। सिंपली मैं सिर्फ लाइट डार्क देख रहा हूँ पोर्ट्रेट का कहाँ पर है, क्योंकि मेन जगह पर एक तो आंखों के साइडों में होता है, एक उनके हेयर्स में होता है डार्क। और अगर ये देख लिया आपने तो 3D लुक लेने लग जाएगा आपका पोर्ट्रेट। अगर ये सिर्फ नहीं देख पाए, ये लाइट डार्क नहीं देख पाए, तो आपका एकदम पोर्ट्रेट ब्लैंक लगेगा। तो इसलिए लाइट डार्क देखो सबसे पहले, और फिर धीरे धीरे उसकी डिटेलिंग करते जाओ। तो फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर आपको और बताता हूँ। बाद मैं ब्रश से स्मजिंग कर रहा हूँ, जो भी मेरी पेंसिल के स्ट्रोक्स दिख रहे हैं वो सारे मिट जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये स्किप भी करना है तो कर सकते हो, स्ट्रोक्स भी बहुत अच्छे लगते हैं हमारे आर्टवर्क पर, तो इसे स्किप भी कर सकते हो आप। लेकिन मैं नहीं दिखाना चाह रहा, तो इसलिए मैंने स्मजिंग की है ब्रश से, क्योंकि मेरा रफ पेज भी, इसलिए मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। अगर आइवरी शीट होती है तो उसमें हम पेपर स्टिक यूज़ करते हैं। तो गाइस अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और फिर आपको बताता हूँ।
स्मजिंग के बाद तो मैंने इरेजर पेन यूज करा है, और जहां जहां व्हाइट हमें एकदम प्लेन दिखते हैं तो उससे इरेजर पेन से मैं उस चीज को निकाल रहा हूँ। और गाइस इसके बाद की जो चीज है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी डिटेलिंग अपने आर्टवर्क को दे रहे हो, तो उस हिसाब से पता चलता है आपका आर्टवर्क कहाँ तक पहुँच सकता है आपकी डिटेलिंग से। तो ये सब आपकी डिटेलिंग पर, आपके टाइम देने पर डिपेंड करता है। बस ये शेडिंग करने के लिए कोई महंगी चीज़ें नहीं लगती, एक पेंसिल से भी आप कर सकते हो। नटराज, डॉम्स तो खैर सबके पास ही होते हैं, डेली लाइफ में यूज़ होती है, तो उससे भी आप टोटली फुली शेडिंग कर सकते हो। तो गाइस शेडिंग में तो बस इतना ही होता है, और भी मैं ट्यूटोरियल्स लाऊंगा अपने आने वाले वीडियोज़ में। तो गाइस कमेंट भी करो जिससे मैं आपको बता पाऊँ जो आपको नहीं आ रहा समझ में, और अगर कहीं पर गलतियाँ आ रही हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं उसका टाइम निकाल के रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही था, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अभी के लिए थैंक यू, बाय।